दोस्तों नीचे आ गए हैं नाश्ता पानी करके। और दोस्तों आज चल रहे हैं जो जानसठ के पास में नंगला है उस गांव में चल रहे हैं, वहां भी अपने कुछ शौकीन भाइयों से मिलेंगे। और जो हमने वहां पहले भी अपने भाई की बेनीवाल की वीडियो बनाई थी, अगर हो सका तो उनके भी विचार लेंगे, उन्होंने भी अपना नया चैनल स्टार्ट करा है। और ये यहाँ टैंक मजा ले रहा है, बाकी यहाँ सब साफ सफाई हो गई है, सुबह का काम निपट गया है, जो अपनी काली का पिला है ये भी किसी तरह से ध्यान भटका रही है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। चल इन भी है, चल पैर वैर ठीक है, फिट बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ रही है मम्मी, कुछ ना कुछ लाएंगे। दोस्तों इसे जो है मट्ठे का बड़ा शौक है, जो मट्ठा बच जाता है वो ये फिर पीती है तसले में, और ये इसकी सेहत का राज है। तो दोस्तों चले चलते हैं कटिंग कराने। आप भी कहोगे सिर पर बाल नहीं, खिंच 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 खिंच। दोस्तों ये बढ़ रहे हैं पीछे से यहाँ से, और कटिंग दाढ़ी में अपने आप ही बनाऊंगा आके। चलते हैं फटाफट। दोस्तों मैं आ लिया हूँ यहाँ, सलमान के यहाँ कटवाएंगे बाल, बाकी तो दुकानें बंद है। मनीष भाई के पास में चले चलते हैं। और दोस्तों यहाँ आ गए हैं हल्का सा, राम राम जी। और मनीष भाई कैसे हो? दोस्तों मनीष भाई के भी जो है घुटने में चोट लग गई थी, तो मनीष भाई कैसे कैसे पैर रपट गया था, क्या हुआ था? अब आराम है, चलन लगे? अच्छा प्लास्टर कटा नहीं अभी, तो दोस्तों ऐसा पता नहीं चलता कि देखो कैसे भड़क रहे, क्या बात होगी। राम राम जी। हाँ तू हमें खा ले पहले। दोस्तों ये अब दूसरी बछिया आ गई है इनके पास में, वो बछिया सेल हो गई थी, ये देखें ये भी अच्छे साइज की, बड़ी बड़े साइज की बछिया है। और कटिया देखें काफी सुंदर हो गए, लवारे बहुत बढ़िया, ये देखें। और ये एक और नई भैंस आई है, फिर ये लवारे भी देखो कितने सोने हो गए, कटड़े में भी इसमें दम पड़ गया है लंबे मुंह वाले में। और ये देखो ये कटड़ा कितना बढ़िया हुआ, ये बढ़िया हो गया, ये कटिया भी अच्छी है। और ये लवारा हिल पे फिट हो गया है। दोस्तों जोटा इन्हें देना पड़ा, जैसे ही पहली बारिश हुई थी जोटा एकदम ज्यादा दंगा कर गया था, तो वो देना पड़ा। लेकिन दोस्तों बात यही है, किसान के पास में इतने खर्चे रहते हैं कि गन्नों का काम ये मानो बिल्कुल निपट ही गया था, और ये फिट हो गया है बढ़िया। चाचा कितने दिनों का हो गया होगा? सोलह महीने का होगा, 17वें में लग गया, बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों नस्ल की ऐसी बात होती है देखो, कि थोड़ा सा यो तो यहीं पैदा हुआ ना, जोटा भी यहीं का ना, वही वाला जो सा बेका था, उसी का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन। दोस्तों ये उसका है, वो जो वो वहां बैठी है जिसकी हमने मिल, हाँ हाँ इसी का तो बता रहा, जिसकी हमने मिल्किंग करी थी। अच्छा फिर यो कौन सी का लवारा, यो नई भैंस आई? हाँ हाँ वो तो मैंने देख ली थी, अच्छी भैंस है वो भी। तो चाचा यो बछिया जो खड़ी है बड़े वाली, यो कितने दूध में? यो की भाई डेढ़ महीना। अच्छा डेढ़ महीने ब्याना इसका, और यो बिहारी? यो बिहारी। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों सुबह का ही टाइम है, लगभग 8:15 बज रहे हैं, और ये देखें साइज इसका बहुत बढ़िया। तो वो जो वो बछिया बिकी थी उसकी वीडियो बनाई थी, उसके बीच में यही आई है, एक आधी निकल गई, कई निकल गई, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, हो जाओगी ठीक, वो तो होना भी तो नूता, लवारा भी तो बहुत ठाडा। तो ये बछिया इसके नीचे बछिया, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। दोस्तों कोई भाई अगर वीडियो में देख के विचलित भी होने लगे, या जैसा आजकल चल भी रहा है HF गाय में, कुछ भी बात बता दें। लेकिन दोस्तों HF और जर्सी जब से हमारे यहाँ आई, अब तो खैर ये हमारे यहाँ की पैदाश ही है, टिक्के लगे सीमन लगे कोई बात हुई, दूध इनमें बहुत है, भलापन बहुत रहता है सीधा। जमीनी अगर आप बदलाव देखें तो ये वहां की देसी हैं, हमारे यहाँ की देसी टांट वाली हैं। इनके वहां जाने पे जैसे आप देखो जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में चला गया, वहां काले सफेद जो नस्ल की गाय है उसमें टांट है, और फिर जैसे जैसे क्षेत्र आगे बढ़ता चला गया टांट खत्म होगी, ये बन गया साइज। तो ऐसी बात नहीं, ये भी अपने वहां की देसी हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ के थोड़े बदलाव आ गए, दूध इनमें बहुत है। हमारे से इनकी बुराई कभी नहीं होगी, क्योंकि हमने HF का जर्सी का दूध पी रखा है, और दोस्तों हम उनमें से नहीं है कि दूध भी पी लिया और बुराई भी कर दी।
तो गाय अच्छी हैं, प्यारी गाय हैं बहुत। आपकी मर्जी है, आप देसी रखो चाहे ये वाला मॉडल रखो, लेकिन हमारे यहाँ नंबर वन पे सेल में यही चलती हैं। तो अब ये सामने है, तो जो भी बात है, देखो बनावट देखो बछिया की कितनी बढ़िया है, और धीरे धीरे ठीक हो रही है, बहुत ही बढ़िया। और ये भी तो चाचा, यो कैव्यूवर की भी आई है, क्या कैव्यूवर भी आओगी? हो तीसरे भी आओगी? ये तो साइज बहुत है भाई इसका, तो साइज बहुत है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों लास्ट में मनीष भाई का आपको नंबर भी मिलेगा। तो चाचा यो है भैंस सेल में, ये दोनों? अच्छा दोनों ब्यारी, अच्छा इसे खड़ी करियो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कितना दूध बना रही, कितने दिन की भी आई है? अभी तो क्या दिन की भी आई है मनीष? 7-8 दिन की। तो अभी अभी तो छटा नहीं करा? नहीं, अब चल कर रही। अच्छा, तो लगभग अंदाजा क्या दूध का? 12-13 किलो दूध है। तो दोस्तों एक दो भैंस भी सेल में है और गाय भी सेल में है, बात कर सकते हैं। तो ये खोर बनवाई, भाई वाह। तो मतलब एक ड्राम में से दो बन जा, भाई वाह। हाँ ड्राम वैसा काटने से बढ़िया, डंगर को ज्यादा नीड ना पड़े, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक बोरी है, एक बोरी। तो ये कितने पड़गी जी दोनों खोर? ये कितने पड़ी भाई? अच्छा बनवा के लाए कहीं से? तो कुछ भी महंगा नहीं, आम आम नहीं। तो दोस्तों चले चलते हैं, कटिंग करवा लेते हैं। और देखे हैं मनीष भाई धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही है, कभी कभार हो जाती है गड़बड़ के डेली के चलाने वाले ना लेके है कुछ बात। ओहो शुगर फ्री, ना शुगर फ्री बिस्किट मंगा लिया, खाने पड़ेंगे। हाँ तू आ गए भाई ले। अब दोस्तों मनीष भाई के यहाँ से बिस्किट खाकर मनीष भाई से मिलकर अब आपको ये दिखाता हूँ, हमारे यहाँ ये भी काम चलता रहता है। हाँ हाँ फूल तो देख तो लिए, फूल तो सारे गजब ही हैं। और ठीक भाई? अच्छा तो क्या रेट चल रहा है आप जगह गंडासों की चटाई का? 50 रुपये। अच्छा कोयलों की चटाई है, बिल्कुल। तो दांते भी काट दो? नहीं, बहुत बढ़िया। दांते कढ़ाई के कितने हैं? अच्छा वो 85 रुपये हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों इस चीज़ का बहुत आराम है, गांव में ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ जब भी चल सकती है जब आप करने वाले को टाइम से पैसे दें। ज़्यादा लंबे टाइम का उधार, इन चीज़ों का छोटा छोटा उधार बढ़िया नहीं होता, रोज़ के खर्चे हैं। तो ये कोयला किस भाव आ रहा? 40 रुपये किलो। चलो जी बहुत बढ़िया, करो काम को आगे बढ़ो। राम राम जी। दोस्तों चले चलते हैं, हमारा नंबर आ गया है। कटिंग हो गया है, चले चलते हैं एक बार खेत की तरफ। दोस्तों टायर लेके आ गया है छोटा छोटा हरा टेम्पू। भैया यहां लगा लो, उनको ही लगा लो। बाज जी बाज बाज, बहुत बढ़िया। कर लेते हैं दोस्तों खिचाक। दोस्तों अब शेविंग कर ली है और ये भी कटिंग कर ली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ब्लेड लगाने से फुंसियाँ हो जाती हैं मेरे, इसलिए मैं कैंची से काटता हूँ। पूरी बढ़िया तरह सेटिंग हो गई है दोस्तों, चेहरा देखो एकदम से चेहरा मेरा बदल जाता है, कटिंग होते ही और शेविंग होते ही चेहरा बदल जाता है। और दोस्तों मेरा नहीं, हुलिया सभी का बदलता है, उसमें कोई भी हो कटिंग शेविंग होते ही नहाते धोते ही कपड़े बदलते ही जो है सब कुछ एकदम चेंज। और अब मंजन करके नहा के चले चलते हैं, आपके लिए सरप्राइज़ है। आज हम कहाँ पहुँच रहे हैं?
तो यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।